मैं सचिन पायलट की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अशोक गहलोत की नेता वसुंधरा जी हैं, सोनिया जी नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णन का यह ट्वीट है राजस्थान की वर्तमान सियासत पर। दरअसल पायलट वर्सेस गहलोत की सियासत के बीच एक बार फिर सियासी गर्मागर्मी तेज हो गई है और इस सियासी गर्मागर्मी की आग को हवा दी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। दरअसल रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए 2020 में पायलट की उस बगावत का जिक्र किया जब उनकी सरकार संकट में आ गई थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संकट में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मदद का जिक्र किया। तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो, जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गया वहां पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनके वहां पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा राजे की और कैलाश मेघवाल की, इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इतने बड़ी सरकार बची है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मदद की याद दिलाई तो बीजेपी में भी खलबली मच गई। वसुंधरा राजे ने इसे उनके खिलाफ षड्यंत्र बताया तो वहीं राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने भी इसे कांग्रेस की झूठी साजिश बताया। देखिए मुख्यमंत्री जी लगातार जो काम खुद को करना है उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। परसों वक्तव्य देते समय उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को पैसे दिए गए। पहली बात तो देश के गृह मंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, आरोप लगाना था तो खुद मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। आज मैं केवल आज एक्ट लेके आया हूँ जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इसके सेक्शन 7A और 8 और साथ में सेक्शन 12 इन तीन को पढ़ते हैं तो जिसको जो रिश्वत दी जा रही है, जो दे रहा है वो भी दोषी है, जो जिसको दी गई वो भी दोषी है। और मुख्यमंत्री जी क्योंकि आप मुख्यमंत्री और आपके जानकारी है और जानकारी होने के बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका अपशमन कर रहे हो, इसका अबेटमेंट कर रहे हो, इसलिए 120 के बी के नाते से आप भी उसमें कटघरे में खड़े होकर आते हो, दुश्मनी हो। सीएम गहलोत के वसुंधरा राजे पर समर्थन का दावा करने के बाद सचिन पायलट भी खुलकर मैदान में उतर आए और कहा लगता है अब उनकी नेता सोनिया जी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी, तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। अब सीएम गहलोत के बयान को लेकर जहां कहा जा रहा था कि उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं, वहीं पायलट के इस बयान से गहलोत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आपको बता दें बीते साल जब पीएम मोदी बांसवाड़ा आए थे तो उन्होंने गहलोत की तारीफ की थी जिस पर पायलट ने कहा था ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से सीएम गहलोत की तारीफ की है। एक बार प्रधानमंत्री ने ऐसे ही गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी, उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता है। पीएम का सीएम की तारीफ करना बड़ा दिलचस्प है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। पहले पीएम मोदी की तारीफ और अब वसुंधरा राजे से मदद वाले बयान को लेकर सचिन पायलट ने जिस मुखरता के साथ अपना पक्ष रखा है, कहा जा सकता है सचिन पायलट अब गहलोत को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहते हैं।